चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड टैक्सेशन काशफ अनवर की जेरे सिदारत अवेयरनेस सेशन रूल एंड स्कोप द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अमेंडमेंट पंजाब फाइनेंस बिल 2022 और 23 के मतलब इगाही सेशन का इनकार किया गया, जिसमें चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड टैक्सेशन काशफ अनवर, उमर फरूक खान इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सैयद हसन अली कादरी, आशिक अली राणा, राजा हसन अख्तर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान, टैक्स कलेक्टर और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े अमीन हॉल में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड टैक्सेशन काशफ अनवर की जेरे सिदारत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर उमर फरूक खान ने रूल एंड स्कोप अमेंडमेंट पंजाब फाइनेंस बिल 2022 और 23 पर तफसीली इगाही दी। इगाही सेशन में सेल कलेक्टर और शुरका के तमाम सवालात के जवाबात भी तफसील से दिए गए। इस मौके पर अवेयरनेस सेशन के हवाले से काशिफ अनवर, उमर फरूक खान, सैयद हसन अली कादरी, हसीबुल्ला खान, आशिक अली राणा ने DMH न्यूज से बात करते हुए कहा कि देखिए, आज जो हमारा लाहौर चैम्बर की फाइनेंस एंड टैक्सेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो हमेशा से मुख्तलिफ सेशंस करती रही है और हमारा मोटिव भी यही है कि सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो PRA से रिलेटेड था, बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन्स थी कि किसने अपने आप को रजिस्टर कराना है, किसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना, क्या तमाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं वो एज अ विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर होंगी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी रिटर्न कैसे डाली जाएगी। तो मैं उमर फारूक खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के, उन्हें जब भी लाहौर चैम्बर में बुलाया गया है वो आते हैं और आके बहुत अच्छे तरीके से हमें तफसील के साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मतलब उसके अमेंडमेंट्स के मुताबिक बताते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी काम कर रहा है, जिस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बाकी जितने भी रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि जनरल पब्लिक में एक अच्छा इमेज आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेस को बढ़ा सकें। जो हमारा आज का सेशन था जी, ये था रोल एंड स्कोप ऑफ PRA और जो अमेंडमेंट्स हुई हैं फाइनेंस बिल 2022 से 23 तक में, तो काफ़ी ज़्यादा वसी तादाद में इसमें लोगों ने शिरकत की। और इस सेशन की इम्पोर्टेंस ये थी कि हमने अमेंडमेंट्स तो बताई और उनको प्रेजेंट की, लेकिन जो भी मेंबर्स के या बिजनेसमैन कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको सुना और उनको एड्रेस किया अच्छे तरीके से और उनको सेटिस्फाई भी किया। इसके अलावा अगर किसी के एंड से कोई चीज़ है जो कि PRA की तरफ से पेंडिंग है, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आने वाले बजट प्रपोजल्स के अंदर वो अपनी तरफ से या अपनी एसोसिएशन की तरफ से ऑफिशियल तौर पे हमें एक जो है वो लेटर या प्रपोजल लिख के भेजेंगे और हम उसकी अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, PRA का जो टारगेट था इनिशियल पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2021-22 का, वो 155.9 अरब का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको 170 अरब क्रॉस किया है। हमने जो टारगेट अपना अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी हार्श मेयर्स, विदाउट एनी इन्फोर्समेंट या रिकॉर्ड इम्पाउंडिंग या सीलिंग या ऑडिट, हम लोगों ने सिर्फ ये जो टैक्स कलेक्शन की है ये टैक्स पेयर्स या अवाम के तावुन से और टैक्स एजुकेशन अवेयरनेस और परसुएशन से इकट्ठी की है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसन अली कादरी आपसे मुखातिब हूँ, मेम्बर फिस्कल लॉ कमेटी ICAP, और आज हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो सेशन अटेंड किया जिसके हमारे जो चेयरपर्सन है काशिफ अनवर साहब जो कमेटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं स्टैंडिंग एंड फाइनेंस कमेटी, और एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस सेशन था और मैं समझता हूँ कि इन कोलैबोरेशन बहुत अच्छा अवेयरनेस सेशन था और PRA का भी एक बड़ा अच्छा रोल रहा है कि अच्छे की अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे मामलात मज़ीद फैसिलिटेशन की तरफ लेके गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अब हमें भी ये सीखना पड़ेगा और वक्त आ गया है कि हम ब्रॉडनिंग की तरफ जाएँ, और PRA एक सबसे बड़ी मिसाल है कि किस तरीके से बग़ैर किसी किस्म की हार्शनेस के साथ, बग़ैर छापे मारे, बग़ैर कोई गलत इकदाम किए आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आज के दौर में करें तो ये मुमकिन है और ये मुमकिन PRA ने करके दिखाया है। और मैं ज़ाती तौर पे पैगाम देना चाहूँगा बाकी इदारों को कि आप भी इस तरह का माहौल पैदा करें ताकि लोग कंप्लाइंस की तरफ आएँ और कंप्लाइंस को जबर ना बनाएँ,
कंप्लाइंस को आदत बनाएं। देखें जी, ये ऐसे सेमिनार बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेडर्स की बात करता है, तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल जो हैं उसका ही हल होंगे जब ऐसे सेमिनार होंगे। जैसे हमारा PRA है जो वो सबसे बड़ा जो भी आदमी सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स जो है सैलरी सेल टैक्स वो उसको रिस्कवर करते हैं ये महकमा। तो जितने लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों को समझना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हैं और डरते हैं, हत्ता कि ये पेमेंट जो सेल टैक्स की है ये आपने कस्टमर से लेनी है, लेकर PRA को देनी है, यानी आपने कोई अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करनी होती, ये वो पेमेंट है जिसको आप अदा करते हैं कस्टमर से लेकर ऐड करते हैं और वो हर महीने आप रिटर्न में देते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप नल की रिटर्न दे दें। प्रॉब्लम यह है, लोग समझते हैं कि मैंने कारोबार नहीं किया, मैंने काम नहीं किया तो मैं सेल टैक्स कैसे दूँ। तो सेल टैक्स की रिटर्न में आपके पास जब इनकम नहीं आई तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये 4 महीने मैंने सिर्फ बिजनेस रजिस्टर्ड कराया, कारोबार नहीं किया, तो आप नल की रिटर्न दे सकते हैं। सिर्फ जाब्तों को पूरा करके आप अच्छे तरीके से इनके साथ करेंगे। तो सेमिनार का मकसद यही था कि लोगों का अवेयरनेस हो और भरपूर तरीके से लोगों ने सवालात किए और अच्छा जवाब मिला। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या हम लोगों को इन चीज़ों का अवेयरनेस हुई। हाँ, इस सेमिनार से ट्रेडर्स को भी इंडस्ट्री वालों को भी भरपूर तरीके से नॉलेज हुई। जी, आज हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फाइनेंस एंड टैक्सेशन कमेटी का एक PRA के हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो ऑफिसर हैं उमर खान साहब का आज मधु किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ हमारी 100% थे, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे, हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी तो उन्होंने काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम को एड्रेस किया, और जो प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते थे उन्होंने कहा कि हमें उसमें टाइम चाहिए तो हम इसको एज सून एज पॉसिबल जो है हम इसको एड्रेस कर देंगे। मैं समझता हूँ कि PRA में बनिस्बत FBR काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं, उन्होंने अपना बजट टारगेट भी अचीव किया और इस दफ़ा जो बजट दिया उन्होंने इसमें कोई टैक्स इन्हांस नहीं किया, ना कोई नया टैक्स लगाया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स थे उन्हीं पे उन्होंने बेहतरी की, और जो टाइम बार्ड का इशू था वो 8 साल से 5 साल में लेकर आए, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा एक अच्छा दिया कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 50,000 की जो शर्त थी पर ट्रांजैक्शन पे वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें बड़ी खुशाइन चीज़ हैं, और आज का सेशन इतना फ्रूटफुल रहा कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हमारे लर्नर थे, जैसे लोग सर्विस प्रोवाइडर थे जिनके अपने कुछ मसाइल थे, कुछ क्वेश्चन आंसर थे, उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी से उमर खान साहब ने जो फोकल पर्सन थे PRA के उन्होंने बड़े एक्सप्रेसली जो है उसको एक्सप्लेन किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के फंक्शन फिनांस एंड टैक्सेशन कमेटी के ज़ेर साया होना, ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे जो चेयरमैन हैं, कन्वीनियर हैं काशी अनवर साहब, जो खुद एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और इस तरह के सेमिनार वो करते रहेंगे, लोगों के नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। जावेद इकबाल भट्टी, DMH News, लाहौर।